मंडी में पत्रकार वार्ता करते हुए द्रंग भाजपा की प्रत्याशी रहे जवाहर ठाकुर ने कहा कि केंद्र में जब भी भाजपा की सरकार सत्ता में आती है हिमाचल के विकास को गति मिलती है। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए जवाहर ठाकुर ने कहा कि पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी जब आई थी तब भी हिमाचलों को करोड़ों की सौगात मिली थी। उसी प्रकार वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिमाचल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। वे भी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। उनके शासनकाल के दौरान हिमाचल को सड़कों, रेलवे, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जहां करोड़ों की सौगात मिली है, वहीं हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा देकर 14वें वित्तीय आयोग के माध्यम से 40,625 करोड़ की मदद दी गई है। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्री की कमान संभाली है, हिमाचल में भी स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति आई है। एम्स जैसे संस्थान हिमाचल को मिला है, जिसकी सौगात लेकर 3 अक्टूबर को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश को 3 मेडिकल कॉलेज, मंडी में लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नीरचौक, मंडी और सुंदरनगर में मातृ शिशु स्वास्थ्य अस्पताल, ट्रामा सेंटर, कैंसर अस्पताल आदि जेपी नड्डा की देन है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का उन्होंने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र से 3,000 कार्यकर्ता बिलासपुर की रैली में जाएंगे। जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, तब तब हिमाचल प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। पिछली बार जब आदरणीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उसमें भी जब भी हिमाचल का दौरा वो साल में एक बार आराम करने के बहाने आते थे, तो हिमाचल को करोड़ों रुपए की सौगात विकास के कार्य को देते थे। और आज हम आभारी हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के, जब से वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो हिमाचल प्रदेश को उन्होंने अपने कदमों से नापा है और हिमाचल प्रदेश की वो भौगोलिक परिस्थितियों को भलीभांति जानते हैं। और यही कारण है आज हिमाचल प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी का राज्य प्रदान हुआ है। 14वें वित्त आयोग को योग से हमें 4,000 से ऊपर की राशि जो है वो विकास के कार्यों को मिली है। और इसके साथ श्री जयप्रकाश नड्डा जी जब से स्वास्थ्य मंत्री इस देश के बने हैं,